हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। ज्ञान प्लस वे ऑफ सक्सेस। जी हाँ, वे ऑफ सक्सेस की सीरीज का दूसरा पार्ट हम लेकर हाजिर हैं। हमने पहला वीडियो सामान्य विज्ञान से संबंधित डाला था, अब दूसरा वीडियो हम सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न MCQs करने जा रहे हैं, जो कि आपके हर परीक्षा से लगभग एक सवाल बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वो महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो कि परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन, आपके पास चार ऑप्शन है, विशाल स्नानागार, धान्यागार, सस्तंभाल और दो मंजिला मकान। तो इसका सही आंसर होगा, आपका सही आंसर होगा धान्यागार। जी हाँ, सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो की धान्यागार है, जो कि अनाज को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। विशाल स्नानागार इससे छोटा है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा धान्यागार है, काफ़ी लड़के धान्यागार की जगह विशाल स्नानागार मार के आते हैं, जो कि गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दो की ओर। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है तथा उसकी अध्यक्षता जो है कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो याद रखिएगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी संयुक्त और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर तीन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो प्रश्न नंबर तीन की ओर हम बढ़ते हैं। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। ये तीनों भारत के प्रसिद्ध बांध हैं, इनके अलावा याद रखिएगा, लेकिन सबसे लंबा बांध की जहां बात आती है तो हीराकुंड बांध है। प्रश्न नंबर चार की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल से संबंधित है? यानी कि काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन फसल निम्न में से उत्पादित होती है? तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, कपास, ईख, चाय, काफ़ी। तो सही आंसर होगा आपका ए, यानी कि कपास। चलिए प्रश्न नंबर पाँच की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा, किसी स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं? तो दूर की चीज़ें फोकस से हटकर, यानी कि आपको निकट दृष्टि दोष होगा तभी दूर की चीज़ें आपको धुंधली हुई दिखाई देंगी। तो इसका सही आंसर होगा निकट दृष्टि दोष, यानी कि सी। चलिए प्रश्न नंबर छः की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि हार्डवेयर क्या होता है। तो प्रोसेसर चिप भी हार्डवेयर होती है, प्रिंटर भी हार्डवेयर होता है, माउस भी हार्डवेयर होता है, जावा यहाँ पे इन स्क्रिप्ट यानी कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, तो ये आपका हार्डवेयर नहीं है, जावा। चलिए प्रश्न नंबर सात की ओर बढ़ते हैं। पीतल में क्या होता है? पीतल किस धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल आपको हम बता दें कि तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। चलिए प्रश्न नंबर आठ की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन सी है? तो आपके पास चारों ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से आपका सी यानी कि आर्गन सही होगा। प्रश्न नंबर नौ की ओर बढ़ते हैं। तो श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो श्वसन का नियंत्रण मानव मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिगेटा से होता है, याद रखिएगा, मेडुला ऑब्लिगेटा से श्वसन का नियंत्रण होता है। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी, तो हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय पीवी सिंधु बनी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो प्लेइंग इट्स माई वे किसकी कृति है? तो प्लेइंग इट्स माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? तो किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन कन्फ्यूजन है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर होगा बी, नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। प्रश्न नंबर 13,
पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? बहुत महत्वपूर्ण है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो ए जी टांसले, यानी कि डी आंसर आपका सही होगा। ए जी टांसले ने पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली की शुरुआत की थी। प्रश्न नंबर 14, वर्तमान में आयकर देने की न्यूनतम आय सीमा क्या है? जी हाँ, वर्तमान में जो इनकम टैक्स का न्यूनतम दायरा है वो कितना है? 2.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 4.5 लाख। तो सही आंसर होगा आपका सी, यानी कि 5 लाख। प्रश्न नंबर 15, 2023 क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका आंसर आपको देना है, 2023 में क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो इसका सही आंसर होगा भारत में 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजित किए जाएंगे। प्रश्न नंबर 16, प्रस्तावित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने ज़िले होंगे? तो प्रस्तावित केंद्र शासित लद्दाख में कुल मिला के चार ज़िले होंगे। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, झूम कृषि अभी कहाँ प्रचलित है? झूम कृषि वो कृषि होती है जहाँ पे लोग कुछ दिन खेती करते हैं जंगलों को साफ के, उसके बाद जब वो मिट्टी धीरे धीरे अनुपजाऊ होने लगती है तो वो कुछ दिन बाद जगह बदलते हैं, वहाँ जंगल साफ करते हैं, फिर कृषि करते हैं, फिर यही इनकी प्रक्रिया चलती रहती है। तो वो या एक प्रकार से आपका सब घुमंतु कृषि कहाँ प्रचलित है? मिजोरम, नागालैंड या मणिपुर? तो आपकी झूम कृषि अभी इन तीनों जगह पर प्रचलित है। हालांकि भारत के लगभग सभी प्रदेशों में, कुछ प्रदेशों को छोड़ के, झूम कृषि किसी न किसी रूप में प्रचलित है। झूम कृषि अभी भी आदिवासी या जनजाति लोग ही करते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन आपके पास है 1945, 1947, 1942, 1920। तो इसका सही आंसर होगा क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ये भारत का द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग चाहने के लिए आया था। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, तो भारत में एकल नागरिकता ली गई है। भारत में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से, रूस? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि इंग्लैंड से। प्रश्न नंबर 20, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिक्षित संघ शासित राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका लक्षद्वीप, सर्वाधिक शिक्षित संघ शासित यानी कि केंद्र शासित राज्य है। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, संसार का सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादक कौन सा राष्ट्र है? इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि कनाडा संसार का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादक है। ये चारों देश प्रमुख रूप से यूरेनियम का उत्पादन भंडार इन चारों देशों में क्रम से सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कनाडा है। बाकी चारों ऑप्शन दिया रहेगा, बहुत कंफ्यूजन होता है आपको। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में हाल ही में लालजी टंडन ने शपथ ली। ये इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे। 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा है? तो उच्चतम कोटि का कोयला जो है आपका एंथ्रासाइट है। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, प्याज का कौन सा भाग खाद्य भाग है? तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर होगा आपका तना, यानी कि प्याज का खाद्य भाग तना होता है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 हमने आपके लिए रखा है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और बताना है कि आपको पता है या नहीं। इसका आंसर हम अगली वीडियो में आप सभी को देंगे। तो देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या है, विशेष आर्थिक जोन की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई है? विशेष आर्थिक जोन यानी कि आपने नाम सुना होगा एस ई जेड यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? चीन, अमेरिका, जापान, भारत। तो इसमें से आपको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना है और कमेंट बॉक्स में जवाब देना है।
तो ये रही आपकी वीडियो सामान्य ज्ञान का पहला पार्ट। इसी तरह के पार्ट हम लेते आएंगे। करंट अफेयर आपका चल ही रहा है, डेली मॉर्निंग में आपका करंट अफेयर की वीडियो मिल जाती है। इसी प्रकार से हम हर एक या दो दो दिन में आपका निश्चित रूप से एक एक पार्ट सामान्य ज्ञान का या सामान्य विज्ञान का आपका आता रहेगा, जो कि आपके सभी परीक्षा उपयोगी में बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकार से प्रश्न, तो उम्मीद है कि आपको वीडियोज पसंद आ रही होंगी। वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।